हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर से हम गए हैं फार्म पर, यानी कि हमारी बाड़ी पर। और वहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये एक बर्ड्स है जो कि काफ़ी बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये बड़ा नहीं है, एक छोटा बच्चा है जो कोकोनट ट्री है उसके ऊपर इसका नेस्ट था, लेकिन वो ऊपर से गिर गया है। अभी ये अच्छी तरह से उड़ भी नहीं सकता है। मानवीर प्रांसी ने तो कभी इतनी नज़दीक से बर्ड को देखा नहीं है। आज उन्होंने हाथ में पकड़ा तो उन्हें तो बहुत ही मज़ा आ गया है। पहले तो ये भी काफ़ी डर रहा था, लेकिन अब वो थोड़ा स्टेबल हो गया है। हम तो गुजराती में इसे रण काकड़ा बोलते हैं, लेकिन मैंने गूगल पे सर्च किया तो ये आइबिस प्रजाति से कुछ मिलता जुलता आ रहा है। शेम तो वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए अब शाम का टाइम है तो काउ मिल्किंग स्टार्ट हो गई है और प्रांसी को इस बछड़ी के साथ खेलना है, लेकिन उसे डर लग रहा है। प्रांसी जा डाई करवा। डाई नथी मारती है तो डाई डाई है ने पूछे री तने शू कर आवी पाछी तारी ट्रेंड है ने એટલે જો है ना बाजू में जा हरकू डाई कर। ये तीन छोटे छोटे बछड़े हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। सबसे पहला शंभू है, उसके बाद नानू है और उसके बाद गीत है। इन सभी बछड़ों के नाम खुशी ने ही रखे हैं। ये जो प्यारा सा बछड़ा है उसका नाम है शंभू। शंभू अभी सिर्फ 5 दिन का है। इसकी मम्मी का नाम है गंगा। गंगा बहुत ही प्यारी और क्या बोलते हैं, अच्छी गाय है कि वो मारती नहीं है और पीछे भी नहीं दौड़ती है। और गंगा का मैं दूध निकालने वाली हूँ। समथिंग 15 साल पहले मैंने काउ मिल्किंग की होगी, क्योंकि मेरे पापा के घर पे भी गाय थी, खेत था, तो उसके बाद मैंने कभी नहीं किया है, लेकिन आज मैं ट्राई कर रही हूँ मुझसे होगा कि नहीं। सबसे पहले गाय के पैरों को बांध दिया है और उसके जो थान होता है उसकी सफाई करनी होती है पानी से। तो ये देखिए खुशी ने सफाई कर ली है, पानी से इसे धो दिया है। अब उसने दूध निकालना स्टार्ट किया है पहले। अब मैं देखती हूँ मुझसे कैसा होता है।
यहाँ पर इस साइड से शंभू ने दूध पी लिया है तो निकल नहीं रहा है ज़्यादा। अभी वो छोटा है तो उसे ज़्यादा दूध पिलाना पड़ता है, थोड़ा सा ही निकालेंगे, बाकी शंभू को ही पिला देंगे। तो ये शंभू को फिर से छोड़ दिया है दूध पीने के लिए। ये मेरी मासी है जो दूसरी गाय का दूध निकाल रही हैं। शाम का टाइम है तो अभी ये गायों का ही सब कुछ काम चलता है यहाँ पर खेत में। ये बिल्ली पैट है तो ये बिल्कुल भी नहीं डर रही है, मैं एकदम इसके पास में हूँ फिर भी ये आराम से सो रही है। और इसे तो आप जानते ही होंगे, ये है डुगू। मानवीर को बहुत ही मज़ा आ गया है खेत में, क्योंकि यहाँ पर और भी बच्चे हैं तो वो लोग यहाँ पर छुपन छुपाई खेल रहे हैं। हम लोग गुजराती में इसे थप्पो दाव बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए देव भी बीच में दौड़ रहा है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो वही गेम को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये जो चारा है ना उसे इस तरह से खुला करके रखना पड़ता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वो अंदर से एकदम से गर्म हो जाता है, उबल सा जाता है। खुशी गीत और नानू को चारा दे रही है। देखो वो अभी खाना सीख रही है, थोड़ा थोड़ा उसे आ गया है। शंभू ने देखो खाना खा लिया है तो कैसे आराम से बैठा है वो। आपने इसके पहले के वीडियो में देखा होगा कि डुगू कितना छोटा सा एक प्यारा सा पप्पी था, लेकिन अब ये बिल्कुल भी पहले वाला डुगू नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, एक बड़ा सा डॉग बन गया है। तो गाइस कैसा लगा आपको विलेज लाइफ का ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।